अगर हमें बच्चों को वंस टेंस और हंड्रेड बताना है, एक मैंने वीडियो देखा था स्प्लेंडेड मॉम का, उन्होंने बहुत ही टफ मेथड बताया है। फर्स्ट क्लास में इतना टफ मेथड नहीं है, पिक्टोग्राम या पिक्टोग्राफ जिसे हम बोलते हैं वो फर्स्ट क्लास में नहीं आता है। जो बहुत इजी मेथड है बच्चों को बताने का वो ये है, जैसे अगर सपोज हमने नंबर ले लिया 246, तो 246 ये हमें पता है ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड प्लेस पे है। लेकिन बच्चों को कैसे समझाना है ये पहले हमें समझने की ज़रूरत है। वंस प्लेस पे सिंगल नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक नंबर आएंगे। और जो टेंस प्लेस पे नंबर्स होंगे वो 10 to 99 आएंगे, जिसमें दो डिजिट्स आ जाती हैं। 10 में भी दो डिजिट है, 99 में भी दो डिजिट है। हंड्रेड प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस जिसे हम बोलते हैं, उसमें 3 नंबर्स आ जाते हैं, 100 to 999। अब सपोज नंबर हमने लिया 246, तो हम बच्चों को समझाएंगे कि ये जो है ये है सिंगल नंबर। जो सिंगल नंबर है, जो सिंगल प्लेस पे है, वन प्लेस पे है, उसे हम बोलेंगे वंस प्लेस। तो ये वंस प्लेस पे हो गया। सेकेंड नंबर जब हम लेंगे 46, 46 में दो नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है 4 और 6। तो जब 6 वंस प्लेस पे हो गया तो 4 सेकेंड प्लेस पे हुआ। तो जो सेकेंड प्लेस है, क्योंकि वो 46 है, हम बच्चों को इसको ऐसे सिखाएंगे, क्योंकि हम दो डिजिट वाले नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारी जो प्लेस होती है, जो दो नंबर वाली प्लेस होती है, इसको हम कहते हैं 10th प्लेस। तो ये हो गई 10th प्लेस। 10th प्लेस के बाद वंस और टेंस अगर आपने बच्चों को समझा दिया, तो 100 प्लेट से लेके आगे तक बहुत इजी है समझाना। ट्रिक बता देती हूँ, जो हम बोलते हैं वही प्लेस होती है। जैसे हमने यहाँ पे बोला 246, तो 200 हंड्रेड बोला है, तो 200 मीन्स 100th प्लेस। वंस सिंगल प्लेस होती है, जब दो नंबर आ जाते हैं तो टेंस आ जाता है ये वाला, क्योंकि टेंस से शुरू होती है दो डिजिट। तो ये हो गई 10th प्लेस। और जो 100th प्लेस है, जो 100th प्लेस पे नंबर आ रहा है, जो हम बोल रहे हैं वही उसकी प्लेस होती है, मीन्स 200, तो मीन्स 100th प्लेस है। तो वंस, टेंस एंड 100th प्लेस।